हेलो दोस्तों दोस्तों तो आज के वीडियो में हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, या हम ये बोले कि जिस कंट्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस देश के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। एक ऐसा देश जिसे हम द कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, जहां पर 700 से ज्यादा नदियां बहती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इस देश का ऑफिशियल नेम पब्लिक्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश देश दक्षिण एशिया में स्थित सिर्फ 56,990 वर्ग मील क्षेत्र का ये दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ एक एकात्मक संसदीय गणराज्य है। देश के मुख्य धर्म इस्लाम है। ढांचा बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर। और इस देश की आधिकारिक मुद्रा बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ एक लाल वृत्त। और दोस्तों, बांग्लादेश की सबसे अजीब बात यह है कि बांग्लादेश में बाएं हाथ को अशुभ माना जाता है, इसीलिए किसी से भी हाथ मिलाते समय या खाना खाते समय या कोई काम करते समय सिर्फ दाहिने हाथ का यूज किया जाता है। बांग्लादेश में 2000 से भी अधिक दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, लेकिन बांग्लादेश में पाठकों की संख्या बांग्लादेश की कुल जनसंख्या के मात्र 15% ही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भले ही कबड्डी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है। यहाँ बच्चे आपको अक्सर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जिसे गली क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, चावल बांग्लादेश का मुख्य और पसंदीदा भोजन है। बांग्लादेश के लोग चावल और करी खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और ये दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा पसंदीदा भोजन है। बांग्लादेश के लोग मुस्कुराते नहीं हैं। मुस्कुराहट को इस देश की संस्कृति में इमैच्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आश्चर्यजनक रूप से कटहल है, जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है। बांग्लादेश में लगभग 67% भूमि कृषि योग्य है। और दोस्तों, पहला वैशाख बंगाली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अक्सर अप्रैल महीने के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वैशाख के महीने का पहला दिन होता है। इस दिन को पारंपरिक सौर नव वर्ष और फसल उत्सव के रूप में कई और अन्य स्थानों पर मनाया जाता है, और इसके नए अनेक नाम है। और इन्हीं अन्य नामों से ये काफी प्रचलित है। जैसे मध्य और उत्तर भारत में इसको बैसाखी के नाम से जाना जाता है, और भारत में केरल में विशु और तमिलनाडु में पुथेंडू के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसकी दहाड़ की आवाज को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इससे पहले इन दोनों देशों को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, बांग्लादेश में लगभग 700 से ज्यादा नदियां पाई जाती है, जिसके कारण इस देश को द कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदी गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से ही बहती है। बांग्लादेश की नदियों में बाढ़ आने पर जमा की गई जलोढ़ मिट्टी खेतों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। और दोस्तों, बांग्लादेश में एक संसदीय गणतंत्र सरकार है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और बांग्लादेश में राष्ट्रपति अधिकतम केवल 2 कार्यकालों को ही पूरा कर सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बांग्लादेश में चाय के उद्योगों में लगभग 40 लाख लोग काम करते हैं, और बांग्लादेश दुनिया में कुल चाय का लगभग 3% हिस्सा पैदा करता है। दोस्तों, बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग का एक अच्छा कारोबार है, और बांग्लादेश कपड़ा दूसरे देशों को निर्यात भी करता है, जो बांग्लादेश से निर्यात होने वाले वस्तुओं में सबसे प्रमुख। बांग्लादेश में लगभग 3,000 लोग प्रति वर्ग मील में रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले देशों से एक बनाता है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारे बाढ़ का सामना किया, लेकिन इस स्थिति का भी उन लोगों ने पूरा लाभ उठाया है। बाढ़ ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, जिससे लोगों को कृषि में रोजगार मिला है। भले ही देश के कई ऐतिहासिक स्थल इस प्राकृतिक विकृतियों को नष्ट कर गई है, लेकिन इस देश की संस्कृति और इतिहास अभी भी बहुत समृद्ध है। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।